वंदे भारत रैलును वर्चुअल గా దేశ ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు। 9 వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ లకు పచ్చ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు। ఇక ఇప్పటివరకు 34 రైళ్లను ప్రారంభించామని మోదీ తెలిపారు। ఈ రైళ్లతో ప్రయాణికులకు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటున్న మోదీ కోటి 14 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నారని చెప్పారు। ప్రతినిధి ఆర్ మేరే పరివారజను దేశ్ మే ఆధునిక కనెక్టివిటీ కే విస్తార్ కా యే అభూతపూర్వ అవసర హై। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल श्री, अलग अलग राज्यों में मौजूद मुख्यमंत्री साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सदस्य, राज्यों के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे परिवारजनों, देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। यही तो नए भारत के युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, कारोबारियों, नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की एस्पिरेशंस है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस